अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फ़ातिमा खान पर। आज मैं बना रही हूँ पाया। पाया और ये ज़बान, इसको अभी हम लोग बॉईल कर लेंगे कुकर में। तो मैं इसको मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से, और अब इसको हम गला लेंगे। अब इसमें हम हमारा ये पाया और ज़बान डाल देंगे। इसी के साथ मैंने लिया है प्याज, ये 3 मीडियम साइज का प्याज है। और मैंने ये कुछ सूखे मसाले लिए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिरी, और ये सब भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ 1.5 चम्मच। अब इसमें हम थोड़ी हल्दी मिला देंगे। इसी के साथ साथ मैं नमक ऐड कर दूँगी इसमें। इसको पूरी तरह से गर्म होने देंगे, फिर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करिएगा और मैं साइड पे गरम पानी करूँगी 2 ग्लास, और वो गरम पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है हमें, इसमें हमें गरम करके ही पानी डालना है। यहाँ मैंने पानी गरम करने रख लिया है। ये हमारा पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, वह हल्का सा ही गर्म हो जाए, इसका ठंडापन ख़त्म हो जाए, वहाँ तक के ही गर्म करना है। पानी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके ये पानी, ये 2 ग्लास पानी है, और पाया हमारा जितना अच्छा गलेगा उतना अच्छा इसका ग्रेवी बनेगा। हमको इसको 30 मिनट या 40 मिनट तक से पकाना है कुकर की सीटी लेकर। पूरी अच्छी तरह से ये गल जाना चाहिए, ये जितना अच्छा गलेगा उतना अच्छा लगेगा ये, ठीक है। अभी हम इसको 40 मिनट तक के पका लेते, कुकर के ही अंदर पकाना है हमें इसे। पाए हमारे गल चुके हैं, अब हम इसको ग्रेवी बना लेंगे। इसके लिए हमें लेना है 3 चम्मच धनिया लूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप कितना तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग मिर्च डालें। एक पिंच हल्दी लूंगी मैं। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। अब ये सारे सूखे मसाले हम इसी में ऐड कर देंगे, और 2 मीडियम प्याज का मैंने ग्रिस्ता किया था, जिसको मैंने इस तरह मिक्सी में पीस के लिया है। इसको इस तरह से मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसना है हमें। और ये हमारा ब्रिस्ता का बचा हुआ तेल है जो हम इस ग्रेवी में ऐड करेंगे। पहले ही मसाले को हम अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे। नमक हमने पाया बॉईल करने के टाइम पे इसमें नमक ऐड किया था, इसीलिए मैं अभी इसमें नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। इसका तेल ऊपर आने तक के इसको पकने देंगे, उसके बाद इसमें ब्रिस्ता ऐड करेंगे। अभी इसका तेल ऊपर आने देते हैं हम लोग।
अभी हमारे ग्रेवी पे तेल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ये ब्रिस्ता किया हुआ प्याज डाल देंगे। मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड कर डालूंगी, इसको अच्छे से पूरा इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर इसको ऐड कर देना है पूरा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा पूरा पक चुका है, तेल ऊपर आ चुका है इसका। इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये बहुत ही यम्मी बनके तैयार होता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी इस स्टाइल में बनाए खाए। ठंडियों के लिए तो बहुत बेस्ट है। आप लोग देख सकते हो मेरी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया है। बहुत अच्छे से ये पक गए हैं, गल गए हैं बहुत अच्छे से। माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही है, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इस पे थोड़ी हरा धनिया डाल दूंगी। ये थोड़ी अदरक मैंने पानी में भिगो के रखी थी, इसको इस तरह लंबा लंबा मैंने काट लिया है। और ये भी हम थोड़े ऊपर इसके लच्छे इस तरह से ऊपर रख देंगे। आप इसे रोटी से, चावल से, जवारी बाजरी की रोटी से, किसी के भी साथ उसको आप खा सकते हो। ये मेरा पाया रेडी है अभी। अब आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त यारों में मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।